और ज्यादा और भी शिक्षक हैं उनसे हाँ, सब से अच्छे हैं। आदाब में मुजम्मिल हुसैन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर। इस वक्त मैं सिमरी बख्तियारपुर में हूँ, एम्बिशन क्लासेस के सामने हूँ। जो सिमरी बख्तियारपुर में एक कोचिंग संस्था एम्बिशन क्लासेस 1 to 12 CBSE और बिहार बोर्ड दोनों की तैयारी कराते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि साइंस कॉमर्स और आर्ट्स की भी पढ़ाई कराते हैं ये लोग। किस तरह से पढ़ाई कराते हैं और बच्चों को किस तरह से प्रिपरेशन कराया जाता है ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। एम्बिशन क्लासेस 2016 में शुरू किया गया था, उसके बाद 2019-20 में कोरोना काल में पूरी तरह से एजुकेशन संस्थाएँ को बंद कर दी गई थी। उसमें कितना पढ़ाई पे असर पड़ा, कितना इफ़ेक्ट हुआ पढ़ाई वगैरह, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं अब एम्बिशन क्लासेस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बच्चे जो हैं, क्लास चल रही है, कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, कुछ शिक्षक इधर भी हैं, बच्चे जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं दूसरी तरफ आपको लेकर जाने की कोशिश करूँगा। एम्बिशन क्लासेस हैं, बच्चे यहाँ भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं बच्चों को जो है इस तरह से पढ़ाया जाता है। पूरा मेंटेनेंस, डिस्टेंस मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बच्चे क्लास में हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये कौन सा क्लास है? ये 10th क्लास है। 10th क्लास जी हाँ। किस तरह से आप बच्चों को प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल कोरोना काल के अंदर है और ऐसे बच्चे के अंदर तो बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा, और अभी फिलहाल जो बच्चे अभी आ रहे हैं तो उसे जितना हो सकता है अभी कर रहे हैं। आगे देखिए आगे क्या होता है, लेकिन है कि जो सिलेबस पूरा उसका कंप्लीट करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हद तक जितना होता है हम लोग मेहनत करते हैं, कुछ ऑनलाइन भी कुछ ऑफलाइन भी, इसीलिए कभी ज़्यादा वक्त देना पड़ता है लोगों को पढ़ाई में। इसीलिए आपका क्या नाम है, क्या पढ़ रही हैं, कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आता, अच्छा लगे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? हिंदी। चलिए आपका नाम क्या पढ़ती है? इंग्लिश। अच्छा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ऑल टू ऑल, कोई एक तो होगा जिसमें आप कुछ करना चाह रही हैं? आप 10th में हैं, इसके बाद जो आप साइंस में आपका अच्छा लगता है, क्या पढ़ रही हैं? इंग्लिश। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? साइंस। क्या बनना है आगे चल? डॉक्टर बनना। चलिए तो ये थी बच्ची जिनकी अलग अलग इंटरेस्टेड है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है साइंस, कोई किन्हीं को लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। तो अब मैं आपको सीधा जो है 12th क्लास में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ साइंस कॉमर्स आर्ट्स के बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुसुम हुआ। अच्छा, ये बताओ जब लॉकडाउन लगा तो उस वक्त जो क्लासेस चल रहे थे बिल्कुल स्कूल को बंद कर रहे हैं, उससे आप लोगों को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जिस तरह से A-level सबसे मायने रखता है नीट JEE का, वो तो पूरा ही बेकार हो गया। जो नीट JEE का तैयारी करता है वो तो साफ ही ये हो गया। और इस तरह से अब जो तैयारी कर रही हैं तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पढ़ाई चल रही थी उस तरह से बीच में तो ख़त्म ही हो गया, और इतना एक साल का सिलेबस 2-3 महीने में। आखिर आपने एम्बिशन को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि मुझे यहाँ की पढ़ाई सबसे अच्छी लगी, वाणी सर के बोलने का तरीका, वाणी सर के पढ़ाने का तरीका, और ज़्यादा और भी शिक्षक हैं उनसे हाँ, सब सर अच्छे हैं, एम्बिशन के सब सर अच्छे।